7 जनवरी की घटना है, ये बॉम्बे से एक कोरियर माल लेकर आया था, उसमें 8.5 किलो गोट था जो निम्बेड़ा सर्किल में चोरी हुआ, थाना क्षेत्र है चित्तौड़गढ़। काफ़ी प्रयास के बाद में 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, पहले उसमें एक का नाम है नरपत और दूसरे का नाम है दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी ये जो ये क्या नाम इसका है, यस गोल्ड है, उसका नौकर है जिसने सूचना दी, उसकी सूचना पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और हमारे प्रयास से ये मुलजिम नामजद हुए और इसी सूचना पर एक मुलजिम दीपक जोशी जिसको सुमेरपुर में गिरफ्तार करवाया गया और एक मुलजिम गुजरात में गिरफ्तार किया गया। उन दोनों मुलजिमों को आज प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है और इनसे 33 जन दो मुलजिम जो गिरफ्तार हुए थे पहले, उनको इन दोनों इन मुलजिमों ने कोई माल नहीं दिया था, केवल ये सूचना देने वाले हैं, ये वारदात के समय उनके साथ नहीं थे, इसलिए उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई। दीपक जोशी से रिकवरी होने की पूरी संभावना है क्योंकि मुख्य अभियुक्त ये दीपक जोशी है। इसके साथ और मुलजिम है जो दीपक जोशी से पूछताछ के बाद में नाम सामने आए हैं, अभी ये संख्या आई है कि लगभग 7 मुलजिम है। ये दीपक जोशी रहने वाला कहाँ का है सर? दीपक जोशी सुमेरपुर का रहने वाला है, जिसमें बाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है।